नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है। मौसम के बारे में बात करेंगे, यानी आज मौसम है जो पूरे दिन कैसा रहेगा, किन किन जगहों पर फिर से मौसम बदलेगा। यानी कल पूरे राजस्थान का मौसम बेहद खराब बना हुआ था। जानेंगे राजस्थान में कब तक नया WD पश्चिमी विक्षोभ है जो एक्टिव होगा, क्योंकि 2 मार्च के दौरान राजस्थान में भयंकर ओलावृष्टि हुई और तेज रेत के गुबार भी उठे, धूल भरी आंधी भी चली। हवाओं की रफ्तार काफी भयंकर थी, यानी कम से कम 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चले, रेत के भवंडर भी उठे। जानेंगे आज 3 मार्च के दौरान मौसम कैसा रहेगा, यानी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदे, पोखरण, नोखा, साथ ही साथ अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, नौहर, भादरा, चोरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर समेत और नागौर, यहाँ की बात करें तो लगभग मौसम आज सामान्य बना रहेगा 3 मार्च के दौरान। लेकिन इन जिलों में हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज रह सकती है। साथ ही इसी के अलावा किसान भाइयों, यानी कि बाड़मेर, भीनमाल, जालौर, सिरोही, सांचौर समेत आबू रोड, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा समेत कोटा, बारन, बूंदी, झालावाड़, टोंक, गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जगहों की बात करें जो है मौसम आज कुछ कुछ जगहों के लिए खराब रहेगा। लेकिन भीलवाड़ा और यहाँ की बात करें तो जयपुर और टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ बादलवाई का इम्पैक्ट रहेगा, बरसात की गतिविधियाँ काफ़ी कम रहेगी। सबसे ज़्यादा है जो कोटा, बारन, बूंदी, झालावाड़ और टोंक, साथ ही भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, यानी पश्चिमी यूपी के लगते जिले के सटे वाले एरियों पर कुछ कुछ जगहों के लिए बूंदाबांदी की गतिविधियां रहेगी। हवाओं की रफ्तार है काफ़ी तेज रहने की संभावना है और पश्चिमी MP के लगते बॉर्डर वाले एरिए, राजस्थान के सीमावर्ती सीमा से सटे जिलों पर कुछ न कुछ जगहों के लिए बूंदाबांदी, हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ रहेगी आज 3 मार्च के दौरान। आगामी दिनों की बात करें तो एक नज़र आगामी दिनों पर मौसम पर बात करें तो 4 मार्च के आसपास है राजस्थान के उदयपुर व कोटा, भरतपुर संभाग में जो है बादलों की आवाज जो है बनी रहेगी। कुछ कुछ बीकानेर के संभाग के जिले, यहाँ पर भी हल्की बादलों की आवाज जो है 4 मार्च के आसपास देखी जा सकती है। पहाड़ों पर हल्के पश्चिमी WD का प्रभाव है देखा जाएगा। साथ ही बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ भी 4 मार्च के आसपास बादलों की आवाज जो है देखी जा सकती है। लेकिन 5 मार्च के आसपास से फिर से बादलों की आवाज जो है बनी रहेगी राजस्थान के। लेकिन बताते चले, शाम होते होते काफ़ी बादलों की आवाज बढ़ेगी तो एकाध जगहों पर फवार या बूंदाबांदी, छींटे पड़ने की गतिविधियाँ बन सकती है। बीकानेर, साथ ही जयपुर संभाग के जिले सीकर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, साथ ही जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जैसलमेर समेत बाड़मेर 5 व 6 मार्च के आसपास राजस्थान के कुछ कुछ जगहों के लिए, खास तौर पर बीकानेर संभाग के जिले और यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चोरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर समेत 5 व 6 मार्च आसपास राजस्थान में इन जगहों पर मौसम है जो फिर से खराब होने की संभावना है। अगर नई मॉडल इंडिकेट नई जानकारी सामने आती है तो आपको उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और 7 मार्च के दौरान भी उत्तर राजस्थान में कुछ न कुछ जगहों के लिए हल्की बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल बन रही है। ज़्यादा जानकारी रखने के लिए चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए ताकि आगामी दिनों के दौरान मौसम की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मौसम की अपडेट सही व सटीक मिलेगी। रोजाना अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, कॉमेंट बॉक्स में आप अपने ज़िले व एरिया का भी नाम लगे ताकि अगले दिन जो ही कोई नई अपडेट मिलती है तो आपको भी मौसम के बारे में सही व सटीक एकदम न्यू ताज़ा जानकारी हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। ज़्यादा जानकारी रखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, धन्यवाद।